मेरी काम लीडे करके कि मैं आज थे इस मुकाम पे या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बैठी। मेरे पापा अकाउंटेंट ने तो बाय बर्थ ही कह लो इन द ब्लड ही अकाउंटेंसी सी। इन्होंने अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स बनाते देखना है, सब करना है। मैंने लगता है कि इसी फील्ड 'च मैं जाना चाहूँगी बिकॉज मैं अपने पापा में बहुत क्लोज सी। मुंबई जाके 10-20 लाख का कोर्स है तो मैंने लगता है कि शायद मैं पापा को मजबूर नहीं पापा को कुछ दी तो शायद वो मना ना कर दे, वो अपना बेच के भी साढ़े लिए सब कर दे। बट मेरी अंदर की इच्छा सी कि मैं पापा को किसी भी हाल से तंग नहीं करना, कोई ऐसा कोर्स मिले जिससे ना कि मैं अपने एक मुकाम पे पहुंच सकूँ। पापा मम्मी का क्या रोल रहा कि जैसे मैं बहुत टेंशन लेती थी और मॉम हमेशा मेंटली इमोशनली मुझे सपोर्ट करती थी। और पापा की बात करें, पापा ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि कुछ भी नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब तू जो कर रही है सही है। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हाँ विकास मरवाहा। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के मौके असी पहुंचे हैं तरनतारन के उस परिवार के विच जिन्हां ने जिहड़े माता पिता ने पूरी मेहनत नगन के नाल अपनियां तिन्हां बेटियां नूं पढ़ा के एक बहुत उच्चे मुकाम तक पहुँचाया है। आओ उन्हां नाल गल करते हैं, उन्हां दा की कहना है इस बारे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के मौके तुहाडा की संदेश है? साडा संदेश है जी जिहड़ियां लड़कियां वां उन्होंने वध पढ़ाया जाए। ये लड़कियों नालों वध निकलती। मेरी तीन बेटियां ने, एक मेरी बेटी अज SLHDH बैंक के मैनेजर है, छोटी बेटी मेरी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मेरी थर्ड बेटी जी भी अनमैरिड है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो पुणे के मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब करती है। असी इन्हों एक ही काम दसिया भी साडा जिहड़ा मेन मकसद है पढ़ाई। ये छोटे होंदे तो लैके अज तक असी इन्होंने कभी घर के काम इंटरस्ट नहीं दिता। इन्हों का पहला काम से तुसीं पढ़ना, इसी चीज़ की भी तुहानूं लोड़ है। पढ़ाई मस्ट, पहले पढ़ाई फिर हो। अज मैं बहुत अपने आप में गर्व महसूस करता पाया कि मेरिया तिने बेटियां पढ़ के इस वेले चंगे मुकाम पर है। इस तो बाद मेरा एक बेटा है, वो भी इस वेले चंगा फॉरन के PR है, इस वेले कनेडा के PR है। लेकिन उन्होंने कनेडा भेजन के भी मेरिया बेटिया का अहम रोल है। इन्होंने अपनी शिक्षा के नाल नाल अपने भरावां नूं भी अज चंगे मुकाम पर पहुँचाया वा। मैं अपनी बेटियां नूं, सारे हिंदुस्तान दी बेटियां नूं कहना भी बेटियां नूं पहल के आधार पर इन्होंने शिक्षा दी जाए। ये नहीं भी बेटा बेटे नूं बाद पहले बेटी नूं। इन्होंने बजाय शादी करन तों पहलों रोटियां पकाउण दी जगह इन्होंने रोटी कमाउण दा साधन दिता। सर, एक मिडिल क्लास फैमिली दे विच लड़कियां नूं पढ़ाना बहुत मुश्किल हुंदा। उस उन्होंने पढ़ाने वास्ते तुहानूं किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पिया जां की तुसीं लोकां नूं की संदेश देना चाहते जे कि उन्हां दा बेटियां प्रति किस तरह का प्यार होना चाहिए? देखो जी, संघर्ष बहुत करना पैंदा, लेकिन जो असीं एक टीचा रख लैंदे आं मिडल क्लास फैमिली दे विचों भी असीं बेटियां नूं पढ़ाना, असीं अपने आप नूं अपने शौक मार के बेटियां दे शौक पूरे करन वास्ते उन्हां दी पढ़ाई वास्ते रात दिन मैं और मेरी घरवाली ने बहुत मेहनत कीती है। असी रात दिन एक करके इन्होंने जिस खास तौर पर शिक्षा वास्ते जिते भी इन्होंने लड़ पई, जे कि जान की लड़ पई, असी इन्होंने नाल गए हैं। इन्होंने उच्चे मुकाम तक पहुँचाने किताब ट्यूशन जो इन्होंने चाहिए सी, कंप्यूटर लैपटॉप हर चीज़ असी अपना अपने शौक मार के इन्होंने बच्चों असी लड़कियों में असी अज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करदा। अज ये मेरिया बाहवां ने, मेरिया चार बाहवां ने, तीन मेरिया बेटियां ने, एक मेरा बेटा, चारे मेरिया बाहवां ने। और बहुत वधिया असीं लोकां नूं भी यही कहांगे कि बेटियां नूं पहलों पढ़ाओ, उस तो बाद बेटे दे। असीं ये नहीं कहते बेटे नूं नहीं पढ़ाना, लेकिन बेटे नहीं पढ़ाना, बेटी नूं रोटी खाण दी जगह पहलों उन्हें रोटी कमाणी सिखाओ भी रोटी किस तरह कमाणी। जिस तरह आपां बेटे नूं कहने आ भी रोटी कमावे, उस तरह ही बेटियां नूं कहना भी पहलों रोटी कमावे। जे शादी करके अगले घर च जाणगियां, अज जिन्ने घर दे मैंबर आ उन्ने कमाणगे ते घर चलदा जिन्नी अज कल इंडिया दे विच महंगाई हो चुकी है। निशू जी, निशु जी, तुसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की है, तुम्हें फैमिली को किस तरह की सपोर्ट मिली? जी, मैंने मेरी फैमिली दे करके कि मैं अज थे इस मुकाम पर या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बैठी। मेरे पापा अकाउंटेंट ने तो बाय बर्थ ही कह लो इन द ब्लड ही अकाउंटेंसी सी। इन्होंने अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स बनाते देखना है, सब करना है। मैंने लगता है कि इसी फील्ड 'च मैं जाना चाहूँगी बिकॉज मैं अपने पापा में बहुत क्लोज सी और पापा को अज भी तो पहला भी बहुत प्यार करती है ना। तो अज भी पापा बहुत प्यार करती मैं, मतलब पापा लिए कुछ भी कर सकती। सो मैंने लगता सी कि अकाउंटिंग चाहो जा कोई फील्ड मतलब जिस मैं बेस्ट कर सका। एंड मेरे एक टीचर सी जिन्होंने मैंने इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स बारे दसिया कि ये बेस्ट कोर्स है इंडिया का। एंड इस कोर्स के पैसे नहीं लगते बट मेहनत बहुत लगती है ना। तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली मतलब ऑब्वियसली MBA जिमें बहुत ही महंगा कोर्स है, जिमें सोचा जाता है कि बीकॉम तो बाद MBA पुणे मुंबई जाके 10-20 लाख का कोर्स है। तो मैंने लगता सी कि शायद मैं पापा को मजबूर नहीं पापा को पूछती तो शायद वो मना ना कर दे, वो अपना बेच के भी साढ़े लिए सब कर दे। बट मेरी अंदर की इच्छा सी कि मैं पापा को किसी भी हाल से तंग नहीं करना, कोई ऐसा कोर्स मिले जिद ना कि मैं अपने एक मुकाम पर पहुँच सक। सो CA को सब तो वधिया कोर्स ही इंडिया का, नैशनल लैवल पर नैशनलाइज्ड भी, ऑफिसर पोस्ट भी, गजटिड कोर्स भी, और वो हार्डली 50,000 तक का खर्चा है कोर्स फी इफ यू डोंट ऑप्ट एनी ट्यूशन्स। और ऑनलाइन सिस्टम होने करके सब कुछ मैं सेल्फ स्टडी ही हासिल किया। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी सारे मतलब ओवरऑल इंडिया के बच्चों को कि कई बच्चे आके प्रॉब्लम मेरे नाल डिस्कस करते हैं, आई एम इन अकेडमी प्रोफेशन, तो उनका ये मेरे साथ डिस्कस करना होता है कि मैडम घर में ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि हम अच्छी पढ़ाई कर सके। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो और डिटर्मिंड हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आपने सोचा है, क्योंकि आजकल तो फैसिलिटीज़ ही बहुत है, सब कुछ इंटरनेट ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह का टीचर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ही सब पढ़ सकते हो। और पापा मम्मी का क्या रोल रहा कि जैसे मैं बहुत टेंशन लेती थी और मॉम हमेशा मेंटली इमोशनली मुझे सपोर्ट करती थी। और पापा की बात करें, पापा ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि कुछ भी नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब तो जो कर रही है सही है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था जैसे CA, तो मेरे लिए CA सब कुछ था, तो पापा मेरे इंटरेस्ट के साथ खड़े थे, वो बहुत बड़ी बात थी। आज की डेट में मैं देखती हूँ कई बच्चे आते हैं उनको कुछ करना है तो उनके मॉम डैड कहते हैं कि नहीं ये नहीं आप कर सकते, तो जहाँ मम्मी पापा ने मना कर दिया तो बच्चा कैसे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक मॉम डैड आपकी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो बच्चा ग्रो ही नहीं कर सकता। तो मम्मा पापा साथ में खड़े थे तो आज मैं चार्टर्ड। रविकांत जी तुहानू किस तरह महसूस हो रहा है कि तुसी खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जे तुहाडे जिहड़ी धर्म पत्नी होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट आ पढ़े लिखे तुहाडे नाल ही जीवन साथी कितने चंगा होवे ते तुहाडा की सर संदेश है लड़कियों नू पढ़ाउण वास्ते? मेरा संदेश यही है कि लड़कियों नू पढ़ाउण जरूरी है, क्योंकि तुहाडा जीवन साथी अगर पढ़िया लिखिया होवे तो जीवन के हर मौके पर हर पहलू पर तुहाडा साथ दे सकदा है, तुहानू समझ सकदा है। जिमें कि मेरे धर्म पत्नी जी मेरे वाइफ निशू चड्ढा जी CA ने, तो मेरे शेड्यूल मेरे काम के तरीके समझ सकते हैं कि किस टाइम पर मैं काम से जाना वा, काम से जाना जरूरी है नहीं जरूरी है, हर एक चीज़ चंगी तरह आपस में ही मतलब डिस्कस करके समझ सकते। इस करके कुड़ियां नू पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि वो अपने आप तो इंडिपेंडेंट होंगे, कल नू कुछ भी वो कोई भी सिचुएशन लाइफ आती है तो वधिया तरीके नाल अपने आप में संभाल सकते हैं। लड़कियां नू पढ़ाने मावां का एक अहम रोल होंदा है जी। तो जे आपां गल करिए तो पिछले जमाने दे विच लोकां दी सोच बहुत मतलब कह सकते हैं आपां कि नैरो माइंडेड सोच हुंदी सी कि अज तो मतलब पहला जो लड़कियां तुहाडे घर 3 लड़कियां ने जन्म लिया उस तो बाद लड़के ने जन्म लिया, तुहानू किस तरह का महसूस होया? मतलब लोकां दी गल्लां भी हुंदियां होगियां उहदे बारे तुहाडा की कहना? मैं लोकां दे बारे कभी परवाह नहीं कीती, क्योंकि मैं अपनी बेटियां दी तरह ही पालिया। अगर कोई कहता है तेरे घर बेटी होगी तो मैं कहना है मेरी बेटी नहीं है मेरे बेटे है। मेरी लाइफ का एक एम सीगा कि लड़कियों को उन्ना ही पढ़ाना चाहिए जिन्ना कि लड़कियों को पढ़ाने आप जिस लड़ने की लड़के ज़्यादा पढ़न। और मैं चाहती सी कि मेरी लड़कियां इंडिपेंडेंट होन और पढ़ लिख के डिग्रियां लैके मेरे घर आन ताकि लोग मैं आके कह कि ये मैं मैनू बहुत ज़्यादा प्राउड फील होंगे अपने बच्चों से। और मैं जो चाहया मेरे बच्चों को पूरा किया, मैं इन्होंने किचन में कभी नहीं वाड़िया, ये क्या कि पढ़ो लिखो पढ़ाई करना जरूरी है, उसके बाद अगर तुम कमाओगे तो तुम अपने घर जाके लोग रख सकते हो, तुम किसी मतलब कि अंडर नहीं रहोगे। इस करके मैं इन्होंने एको ही एडवाइस दी कि पढ़ो लिखो और पढ़ना लाइफ में बहुत जरूरी है। उसके वास्ते असं मीना बीबी ने दिन रात स्टडी की और अपने बच्चों को पढ़ाई। अज के जमाने की संदेश देना चाहते हो जी? अज के जमाने दियां लड़कियां बहुत ज़्यादा एडवांस ने, साढ़े टाइम तो इन ऑपरचुनिटीज़ नहीं अवेलेबल सी, लोगों की सोच भी बहुत नैरो माइंडेड सी। हुण आपां बहुत छोटे जे शहर च जिवें एक रिमोट एरिया च रह रहे हैं, एक रिमोट एरिया तरनतारन मतलब बहुत ही छोटा विलेज है, तो मतलब विलेज नहीं अभी डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो चुका है, फिर भी ये नाल मतलब अमृतसर के कंपैरेटिवली तरनतारन बहुत घट ऑपरचुनिटीज़ ने, उसके बावजूद भी बहुत सारी जो क्राउड है इतों उन्होंने लोगों की सोच बदल रही है। अज के टाइम पर मैं अकैडमी वर्क कर रही हाँ जिवें, तो मतलब लोग अपन धियां मतलब सिटी आउट की बजाय कंट्री के बाहर भेज के खुश ने, मतलब ईवन इंडिया छड़ के बच्चियां इतों कैनेडा जा रही ने, बट साडे जमाने तो तरन तारण तो अमृतसर तक पढ़ाउण भेजण लई भी कोई माँ बाप तैयार नहीं सी धीआं। जिथे साडे माँ बाप खड़े हुए तो माँ बाप ने सानू तरन तारण तो अमृतसर पढ़न लई भेजिया और सानू हमेशा एको ही गल सिखाई कि सानू तुहाडा लांभा नहीं आना चाहिए, मतलब तुसी साडी इज्जत जे जिथे भी तुसी जाओ तुसी ये समझो कि असी साडी इज्जत समेट के बाहर जा रही ने। तो पापा मम्मा ने सानू हमेशा इदा की फीडिंग की कि असी अपने आप को सही रखते हुए मतलब सही रख के पढ़ाई की, ताकि माँ बाप को हमेशा प्राउड महसूस होए कि असी उन्होंने बच्चे। तो पापा मम्मी ने सानू कभी बेटियां की तरह नहीं बेटियां की तरह ही पाल के वड्डा किया। अज तक मतलब हजे तक भी असी अपने घर में मैं आ गई हाँ की बजाय मैं आ गया हूँ इस तरह बोलते हैं, कभी भुल ही जाता है कि कुड़ी है कि मुंडा, मतलब ये जो जेंडर डिफरेंस ये साढ़े घर च बिल्कुल नहीं। तो मेरा लड़कियों लिए बस यही संदेश है कि वो सब तो पहल के आधार पर पहला अपने आप को अपना करियर एस्टैबलिश करन, अपने आप को इंडिपेंडेंटली सैटल करन, उस तो बाद ही वो अपनी मतलब अपने पेरेंट्स मतलब उन्होंने पेरेंट्स ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा धियां दे मापियां नूं भी ये संदेश है कि वो अपने बच्चों के नाल खड़े हो, जे उन्होंने बच्चों का किसी काम च इंटरस्ट है तो वो बहुत वध सकते हैं, उन्होंने साथ देन। ठीक है, माँ बाप अगर साथ देंगे तभी धियां कुछ कर सकती हैं, पर ऑन द अदर हैंड धियां नूं भी ये माहौल घर च बनाना पएगा कि उन्होंने माँ बाप उन्हां ते फेथ कर सकन। सो धियां दा जिहड़ा चाल चलन है वो इस तरह का होना चाहिए कि माँ बाप उन्होंने ट्रस्ट करके उन्होंने इंटरस्ट से उन्होंने सपोर्ट कर सकें। अच बेटियां सिक्ख्या के खेत्र के नाल नाल हिंदुस्तान भर में किसी भी उच्च अधिकारियों के अहुदे विराजमान ने, यह साडे देश वास्ते बहुत ही माण वाली गल है। तरन तारण तो कैमरामैन कमल गिल के नाल विकास मरवाहा की विशेष रिपोर्ट।